नाउ स्टेशनरी वेव्स हमने थोड़ी थोड़ी डिस्कस करी थी। आई थिंक वेव्स हमने जो है वो आई थिंक वी डिड डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, बहरहाल हम दोबारा से इधर कर लेते हैं। दीज आर योर अदर काइंड ऑफ वेव्स। ठीक है, जैसे एक प्रोग्रेसिव वेव हुआ करती थी, तो उसके बरक्स जो है वो ये चीज है कॉल्ड स्टेशनरी वेव। ठीक है जी, दीज वेव्स डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी, डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी। These waves actually do not transfer energy, and they are also known as, so they are also known as standing waves. ठीक है, और बड़ा अच्छा नाम है इनका standing waves, because they literally stand and wave. ठीक है जी, also known as standing waves. Now उसको समझाने के लिए कि stationary waves क्या होती है, I'm going to show you a bit of an animation that I am able to do on this software. ठीक है जी, now यू ऑल रिमेम्बर कि मैंने आप लोगों को प्रोग्रेसिव वेव्स क्या पढ़ाई थी। मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी प्रोग्रेसिव वेव्स जो थी वो कुछ ऐसी होती हैं, एंड देन प्रोग्रेसिव वेव्स आर लिटरली ट्रेवलिंग थ्रू डिस्टेंस एंड स्पेस, सॉरी स्पेस एंड टाइम। तो स्पेस में से भी जा रही है और ये टाइम के अंदर भी आगे चल रही है। ठीक है जी, सो दिस वेव इज लिटरली मूविंग लाइक दिस। ये ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही होती। ठीक है, सो अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पार्टिकल ए रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे पार्टिकल बी रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे पार्टिकल सी रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे पार्टिकल डी रखा हुआ है। तो ईच पार्टिकल विल गेट डिस्प्लेस्ड। ठीक है जी, एंड ईच पार्टिकल विल ट्रेवल ऑल ऑफ दी वेव। ठीक है, कैसे कैसे इसका कैसे सोचना है, बेसिकली अगर मैं ए के थ्रू ये रेड वेव गुजरवा रहा हूँ, सो व्हाट डू यू नीड टू थिंक, ए इज टेकिंग द डिस्प्लेसमेंट जो रेड वेव उसके ऊपर कॉइंसाइड है। तो मतलब अगर इस पॉइंट पे ए की डिस्प्लेसमेंट होगी जीरो, इस पॉइंट पे ए जो है वो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे आ गया, इस पॉइंट पे वापस से मीन पे आया, इस पॉइंट पे मैक्सिमम पे आ गया, एंड इस पॉइंट पे वापस से जीरो पे आ गया। अब प्रोग्रेसिव वेव इज लिटरली लाइक दिस, और प्रोग्रेसिव वेव जो है वो स्पेस में चलती है। ठीक है, यानी मतलब बेसिकली क्या है कि हर पार्टिकल एक वेव लाइक अपनी जो है वो मोशन दिखाएगा। यानी ए बकायदा अपनी मीन से मिनिमम, देन मीन, देन मैक्सिमम, देन मीन, ये पूरा मोशन करेगा ये। सिमिलरली आगे भी आने वाले सारे पार्टिकल्स वो पूरा वेव लाइक मोशन आपको करके देंगे। दिस इज वॉट इज नोन एज अ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, इट बेसिकली मूव थ्रू टाइम एंड स्पेस, इट कैन ट्रांसफर एनर्जी। ठीक है जी, दिस इज अ प्रोग्रेसिव वेव जो हमने पहले पूरे वेव्स पढ़ी, और अब यही तक हम प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में ही बात करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडिंग वेव्स, और स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं, स्टैंडिंग वेव्स आर लिटरली लाइक दिस। सो लेट्स मेक ए, लेट्स मेक बी, लेट्स मेक सी, एंड लेट्स मेक डी, एंड इस तरह से कुछ इसमें से बना लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज अ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव अपनी जगह पे खड़े होकर इट गिव्स यू अ वेव पैटर्न। यानी मतलब क्या हुआ, स्टैंडिंग वेव इज बेसिकली लाइक दिस। ठीक है जी, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ अ स्टैंडिंग वेव। अभी आपको नजर आ रहा है एक इंस्टेंट टाइम में स्टैंडिंग वेव ऐसी थी, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट इन टाइम में ये स्टैंडिंग वेव हो जाएगी अपनी ही जगह पे फ्लैट, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट इन टाइम में ये वेव हुई भी होगी फ्लिप, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट टाइम में ये फ्लैट होगी, फिर दोबारा से ये वापस से वो वाली लेगी, फिर फ्लैट होगी, फिर ये यूं होगी, फिर ये फ्लैट होगी, ये हिल नहीं रही है। यानी दिस इज नॉट अ वेव दैट्स गोइंग लाइक दिस। ये ऐसा नहीं है, ये वेव समझा जा रही, ऐसा नहीं। बेसिकली ये जो स्टैंडिंग वेव्स होती है, स्टैंडिंग वेव्स आर लिटरली लाइक दिस। एक ही पॉइंट पे दे कीप ऑसिलेटिंग। ये अभी ऐसी थी, ये खत्म होगी, क्या बनेगी, फ्लैट हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट जाएगी, फिर क्या होगा, फिर फ्लैट हो जाएगी, फिर यूं हो जाएगी, फिर फ्लैट हो जाएगी, और ये अपनी जगह पे खड़े होकर ये होता रहता है। इट कीप्स गोइंग अप एंड डाउन, इट कीप्स क्रिएटिंग दिस लूप्स। लेकिन आप लोगों को इधर काफी क्लियरली दिख रहा होगा, क्या काफी क्लियरली दिख रहा होगा, काफी क्लियरली ये दिख रहा होगा कि सारे पार्टिकल्स आपको वेव लाइक मोशन नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल ए, ए जो है वो मीन डिस्प्लेसमेंट पे ही रहेगा, चाहे वेव ऐसी बन रही हो, चाहे वेव ऐसी बन रही हो, चाहे वेव ऐसे बन रही हो, या चाहे वेव ऐसी बन रही हो, क्योंकि ये एक ही पोजीशन पे ये वेव ऊपर नीचे होती रहती है। तो ए फॉर एग्जाम्पल वुड शो यू नो डिस्प्लेसमेंट। हाँ, बी आपको पूरी डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। व्हाई? बिकॉज पहले बी जो था वो यहाँ पे था, फिर नीचे आता हुआ फ्लैट होगा तो बी मीन पोजीशन पे आएगा, फिर इस तरह से होगा तो बी जो है वो मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा, फिर फ्लैट होगा तो बी दिखाएगा। सिमिलरली सी भी आपको मीन पे ही रहेगा, सी विल ऑल्सो नॉट चेंज इट्स पोजीशन। तो ये वेव बकायदा हर पार्टिकल में से नहीं जा रही होती है, दिस वेव इज अ स्टैंडिंग वेव। कुछ पार्टिकल्स इसमें से होंगे जो बकायदा पूरा वक्त ऊपर नीचे जाएंगे, लेकिन कुछ पार्टिकल्स इसमें ऐसे भी होंगे जो कहीं भी नहीं हिलेंगे। ठीक है जी, दे विल मूव नोवेयर। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि ये जो होता है ना, ये चीज, ये जो एक बल्ज बनता है, मतलब यू सी दिस क्रेस्ट एंड दिस ट्रफ,
ये होता है इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंटेनियस मतलब ऐसा नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता यू बन रहा है और फिर यू बनता हुआ यू बना, नो, इट्स लाइक दिस वेव कंप्लीटली फॉर्म्स इन वन टाइम फ्रेम। ये एक टाइम फ्रेम में ऐसी होती है, एक टाइम फ्रेम में ऐसी होती है, एक टाइम फ्रेम में ऐसी होती है, एक टाइम फ्रेम में, मतलब ये जो मैं पोजीशंस बना रहा हूँ फॉर दैट वेव, दिस इज इन लाइक ये आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, ये है, इट गोज अप देन इट कम्स मीन देन कम्स बैकअप फिर यू, एंड इट कीप्स ऑसिलेटिंग एट दिस पोजीशन। प्रोग्रेसिव वेव क्या थी, प्रोग्रेसिव वेव यूं चलती हुई आ रही, ठीक है, इट्स मूविंग लाइक दिस, यूं चलती हुई। स्टैंडिंग वेव क्या, अपनी पोजीशन पे ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, दैट इज स्टैंडिंग, ठीक है। ये सबसे मेजर डिफरेंस है बिटवीन अ प्रोग्रेसिव वेव एंड अ स्टैंडिंग वेव। प्रोग्रेसिव वेव चलती है बाकायदा, स्टैंडिंग वेव अपनी जगह पे खड़ी होके, एंड इट कीप्स ऑसिलेटिंग, कीप्स ऑसिलेटिंग। सबको समझ में आया व्हाट अ स्टैंडिंग वेव इज, व्हाट अ स्टेशनरी वेव इज? अभी हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे, अभी अभी तो मैंने बहुत क्रूडली डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंटर्स लिखेंगे, कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मेशन की भी बात करनी है, बहुत लंबी कहानी है एक्चुअली स्टेशनरी वेव्स की, और मजे का टॉपिक है, ठीक है जी। तो द फर्स्ट थिंग, ऑब्वियसली स्टेशनरी वेव्स तो ये है, ठीक है जी, हाउ आर यू गोइंग टू फॉर्म अ स्टेशनरी वेव, ठीक है जी। तो स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन की कुछ कंडीशंस है, ठीक है जी। अच्छा, कंडीशंस है, प्रोग्रेसिव वेव की कोई कंडीशन नहीं, प्रोग्रेसिव वेव तो प्रोग्रेसिव वेव वो चलती है, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। स्टेशनरी वेव्स अपने ओन पे फॉर्म नहीं होती, अपनी ओन पे जिंदगी, मतलब ऐसा नहीं है कायनात में अपने ओन पे एग्जिस्ट करती हो, ऐसा कोई फिनोमिना हो, नहीं, दे आर एग्जिस्टेंट बिकॉज ऑफ सम सर्टेन फैक्टर्स, सम सर्टेन कंडीशंस। वो जब कंडीशंस होती हैं तब ये वजूद में आती हैं, वो कंडीशंस नहीं होंगी तो ये वजूद में नहीं आ सकती, ठीक है जी। और ये हम सुपर पोजिशन में अंडर पड़ रहे हैं, यानी ये वेव एक्चुअली नॉर्मल कंडीशंस में एग्जिस्टेंट नहीं है, ठीक है जी। ये होती है थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर पोजिशन ही, ये जो है वो वजूद में आती है बाय अप्लाइंग सुपर पोजिशन, हम देखेंगे कैसे बनती है, ठीक है जी। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव, ठीक है जी, कुछ कंडीशंस हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं, ठीक है जी, एंड दिस इज ऑल्सो ब्रॉट अबाउट बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ये तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन अप्लाई करने के लिए यू शुड रिमेंबर दी थ्री कंडीशन जो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको लिख के आनी होगी। द फर्स्ट कंडीशन इज यू शुड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, आपके पास सेम वेवलेंथ होनी चाहिए, ठीक है जी। ये सेम क्या चीजें, बेसिकली स्टेशनरी वेव जो बनती है दे आर फॉर्म बाय द सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स, टू वेरी स्पेशल काइंड ऑफ वेव्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, जिनकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, और जिनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है जी। यानी क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि दे मस्ट बी एग्जैक्टली द सेम थिंग, ठीक है जी। अब ये तो हमने इंटरफेरेंस भी पढ़ा था, ये तो हमने और भी चीजें पढ़ा था, तो स्टेशनरी वेव्स क्यों डिफरेंट है, कैसे बन रही है, कैसे नहीं बन रही है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव, ठीक है जी। सो यू वुड बी गेटिंग दिस क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव, ठीक है। मैं इसके पॉइंटर्स यहां लिखवाऊंगा, अगली पेज पे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ अ स्टेशनरी वेव बेसिकली फॉर्म्स, ठीक है जी। कीप दीज कंडीशंस इन माइंड, ये तीन, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम वेलोसिटी, ये तीनों चीजें सेम होना लाजमी है फॉर द टू वेव्स दैट आर नाउ सुपरपोजिंग टू प्रोड्यूस अ स्टेशनरी वेव, ठीक है जी। तो होता क्या है, होता ये है कि लेट्स से एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है जी, टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, लेट्स से टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, क्या था, यू हैड टू वेव्स। अब ऑब्वियसली इनका क्या है, इनका सेम लैम्डा है, मैं इन दोनों से स्टेशनरी वेव बना रहा हूँ, आई हैव द सेम लैम्डा, आई हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड आई हैव द सेम वेलोसिटी फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है जी। रेड वाली ऐसी है, ठीक है, एंड देन यू हैव अ ब्लू वाली वेव। अच्छा, ब्लू वाली वेव क्या है, ब्लू वाली वेव गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट से लेफ्ट जाती है, दिस इज अ प्रोग्रेसिव वेव, ये एक प्रोग्रेसिव वेव है जो यू ट्रेवल करती हुई जाती है, ठीक है जी। एंड रेड वाली क्या है, रेड वाली इज ऑल्सो अ प्रोग्रेसिव वेव और वो यू ट्रेवल करते हुए जाती है, ठीक है, इट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब फॉर फॉर्मिंग स्टेशनरी वेव्स यू नीड टू प्रोग्रेसिव वेव्स बोथ ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी। सो ब्लू वाली जो है वो आपकी कैसे जा रही है, ब्लू वाली आपकी ऐसे जाती है, ब्लू वाली का डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऐसा है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, और हैं दोनों प्रोग्रेसिव, यानी जैसे हम मैंने आपको बताया प्रोग्रेसिव वेव स्पेस और टाइम में से ट्रेवल करती है, तो ये ब्लू वाली बकायदा राइट से लेफ्ट आती हुई टाइम एंड स्पेस में से ट्रेवल करती हुई आ रही है, और ये रेड वाली भी, ये भी बाकायदा जो है वो टाइम एंड स्पेस में से ट्रेवल करती भी आ रही है। बस मसला क्या है कि इन दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है वो दोनों की ऑपोजिट, ठीक है जी, मतलब दे ट्रेवल ऑपोजिट, इन ऑपोजिट डायरेक्शंस टू ईच अदर, बाकी सारी कंडीशंस इनकी वैसी की वैसी ही है, सेम ही है। अच्छा, नाउ ये टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे हमने, हमारे पास पोजीशन ऐसी थी कि दोनों कंप्लीटली ओवरलैप करती थी, ठीक है जी। अब दोनों जब कंप्लीटली ओवरलैप कर रही हैं, तो आई होप यू ऑल रिमेम्बर एंड यू अग्री विद मी कि जो रिजल्टेंट वेव बनेगी
वो बेसिकली उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, यू विल गेट योर रिजल्टेंट वेव समथिंग लाइक दिस. सो वी आर गेटिंग टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे हमारी रिजल्टेंट वेव जो बनती है वो ऐसी बन रही है. सही है. ओके, नाउ 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 व्हाट शुड वी डू, आई विल नाउ कंसिडर टाइम t इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड. ठीक है जी, व्हाट डू आई मीन बाय 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है यानी दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है. आई एम गोइंग टू नाउ टेक द स्नैपशॉट, वो जो है वो पिक्चर ले रहा हूं जो क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड गुजरने के बाद इन दोनों वेव्स की होगी. ठीक है, अच्छा. Now, what is going to happen after quarter of a time period? Let's just copy this. Quarter of a time period kya hoga? Quarter of a time period ke baad, ye obviously aage chali jayegi. Right? It will go forward by one transition. It will go forward by a quarter. ठीक है जी? तो ये जो आपके पास क्या था, ये वाला जो point था, mean वाला. ठीक है जी? It will come to this. और वेव जो है वो एक क्वार्टर ट्रांजिशन से आगे चली गई, रेड वाली इस तरह से आगे चली गई है. ठीक है, आई हैव टू ड्रॉ दिस अ बिट डाउन ताकि वो चीजें कोलाइड ना करें. सो लेट्स टेक दिस ओवर हियर. सही जी, तो पहले ये होती क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद ये आगे आ गई है, ऐसे आ गई. ठीक है, और ब्लू वाली के साथ क्या होगा, ब्लू वाली जो थी वो पहले आपकी यू थी, राइट, इट वॉज लाइक दिस. अब ये भी अपनी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल में बिकॉज ऑफ क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड इट विल ऑल्सो गो बाय अ क्वार्टर ट्रांजिशन आगे चली जाएगी. ठीक है जी, रेड वाली आगे गई, ब्लू वाली आगे आ गई अपनी डायरेक्शन में. कितने से क्वार्टर टाइम पीरियड से गया हूं मैं आगे, तो मैंने सिर्फ एक ट्रांजिशन आगे बढ़ाया, यानी ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ लिया और बाकी वेव को भी मैंने, मतलब एक ट्रांजिशन से. आई होप एवरीवन रिमेंबर्स व्हाट अ ट्रांजिशन इज. ट्रांजिशन इज फ्रॉम मीन टू मैक्सिमम, मैक्सिमम से मीन, या मीन से मिनिमम, या मिनिमम से मीन. ठीक है, द वन थिंग, वन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ मैक्स टू मीन या फिर वाइस वर्सा, दैट वॉज अ ट्रांजिशन. ठीक है जी, तो क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद बस ये हुआ कि वाला जो पॉइंट था ये इधर आ गया और वेव जो है बस वो एक क्वार्टर साइकिल से आगे निकल गई. तो रेड वाली क्वार्टर साइकिल से आगे निकल गई, ब्लू वाली भी ऑब्वियसली डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही थी तो वो भी एक क्वार्टर साइकिल से आगे निकल गई. ओके, नाउ व्हाट यू गोइंग टू सी, यू आर गोइंग टू सी समथिंग वेरी फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग क्या, फैसिनेटिंग ये है इसमें कि अब जो आपको वेव मिलती है वो देखो, पहले वाली वेव्स दे वर 0 degree आउट ऑफ फेज, they had a 0 degree का phase difference. इन दोनों, इनके बीच में क्या आ रहा है, 0 degree phase difference आ रहा है. दूसरा वाला देखोगे, what is this? This is completely 180 degree out of phase. Does everyone agree 180 degree out of phase नजर आ रहा है? Can everyone see this is 180 degree out of phase? Yes. So what is the resultant wave going to be? The resultant wave is going to be completely flat. Khatam. No displacement. This is going to be a complete cancellation. Puri puri ki wave jo hai wo cancel out ho jayegi. Theek hai? So at quarter time period, we're going to see the wave completely zero. Sahi hai ji? Okay. Now let's go quarter transition se aur aage chalte hain. Theek hai ji? So let's go quarter transition se aur aage. So time t equals to, अब क्वार्टर के आगे और क्वार्टर आ जाओगे तो हाफ पे आ जाओगे, राइट. सो टाइम टी इक्वल्स टू हाफ टी. अच्छा, हाफ टाइम पीरियड के बाद ये होगा कि ये जो रेड वाली वेव थी, ये क्योंकि इधर की तरफ अब वो ऑब्वियसली और क्वार्टर ऑफ ट्रांजिशन आगे चलेगी, मतलब इस वे जो वेव थी ये इससे और क्वार्टर ऑफ ट्रांजिशन आगे और निकल जाएगी. ठीक है जी, तो ये जो वेव अभी यू बन रही थी, ठीक है जी, एट क्वार्टर टी, अब ये क्वार्टर और टाइम पीरियड गुजरने के बाद ये और एक और ट्रांजिशन आउट हो जाएगी, यानी ये यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है जी, ये इधर निकल गई. सिमिलरली ब्लू वाली जो थी, ब्लू वाली के साथ क्या होगा, ब्लू वाली के साथ ये होगा, ब्लू वाली जो थी वो ऐसी थी, ठीक है, वो भी अब एक क्वार्टर ऑफ ट्रांजिशन से आगे निकल जाएगी तो वो भी इधर आ गई. नाउ व्हाट डू यू सी द वेव्स अगेन कोइंसाइडिंग, दोबारा से कोइंसाइड कर रही है. और कैसे कोइंसाइड कर रही है, पूरी पूरी तरीके से कोइंसाइड कर रही है, यानी दोबारा से क्या आ गया, दोबारा से 0 degree ऑफ फेज डिफरेंस आपको मिल गया. Isn't it? We get a 0 degree का phase difference दोबारा से. तो हुआ क्या? फिर दोबारा से constructively interfere करेंगी and then you will have to apply your principle of superposition और फिर उससे हम जो अपनी wave बनाते हैं. तो the resultant wave is going to be something like this. ये क्या हुआ? ये हो गया आपका quarter t पे कहानी. t equals to zero पे it was like this. Quarter t पे flat. हाफ टी पे ऑपोजिट हो गई, मतलब जहां पे पहले आपकी क्रेस्ट आ रही है वहां पे ट्रफ आ रही है, और जहां पे पहले ट्रफ आई थी वहां पे क्रेस्ट आ रही, मतलब कंप्लीटली इनवर्स हो गई वेव. ठीक है जी, सो दिस इज नाउ, अब दोबारा से देखोगे इसमें 0 degree का फेज डिफरेंस आ रहा है,
बट द एडिशन इज स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है जी। सो 0 डिग्री फेज डिफरेंस इसमें भी। अब ऐसा करते हैं, हम इसको हाफ टी से तो आगे ले गए हैं, अब चलो क्वार्टर और बढ़ाते हैं आगे। तो क्वार्टर अगर मैं और आगे बढ़ाऊंगा, सो आई विल प्रोबेबली बी एट ए 3/40, ठीक है जी। यानी मैंने क्वार्टर टाइम पीरियड और आगे बढ़ा दिया। अच्छा, रेड वेव जो है वो अभी कैसी है? वो अभी ऐसी है, ठीक है जी। यू गाइज कैन सी वो अभी ऐसी है। अब अगर मैं क्वार्टर टाइम पीरियड से और आगे जाऊंगा तो ये और आगे चली जाएगी। एक क्वार्टर टाइम पीरियड से इट हैज गॉन क्वार्टर टाइम पीरियड से और आगे। सिमिलरली ब्लू वाली के साथ क्या होगा? ब्लू वाली थी ऐसी, क्वार्टर टाइम पीरियड गुजरने के बाद ये क्या होगा इसके साथ? ये और आगे निकल जाएगी, राइट। सो इट वॉज अभी लाइक दिस। इसको क्वार्टर टाइम पीरियड और आगे निकालते हैं तो ये हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है जी। नाउ इट्स समथिंग लाइक दिस। अच्छा, फिर आप दोबारा से अपनी डायग्राम्स कंप्लीट करते हैं। अब देखो क्या हुआ, 3/40 पे दोबारा से वेव्स क्या हो गई हैं? दोबारा से वेव्स आपकी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गई हैं। तो आपको दोबारा से क्या मिलेगा? यू विल अगेन गेट अ जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। यानी दोबारा से इसमें 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये जो वेव अभी ऐसी है ये और आगे निकल जाएगी, ठीक है। एंड देन लेट्स ऑल्सो गेट दी रेड वेव। अच्छा, और ये जो रेड वाली थी ये भी अपने डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल में, अगर मैं क्वार्टर टी से और आगे बढ़ा दूं चीजों को, तो बेसिकली ये भी और क्वार्टर निकल जाएगी आगे, ठीक है जी। मतलब ये भी क्वार्टर और आगे निकली और फिर दोबारा से ये दोनों वेव्स क्या हो जाएंगी? फेज में आ जाएंगी, ठीक है जी। मतलब ये आगे निकली थोड़ी सी, सॉरी ये वाली आगे निकली थोड़ी सी, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट फॉर एग्जाम्पल नजर आ रहा होगा यहाँ पे आगे, ठीक है जी। और ये जो रेड वाली थी ये थोड़ी सी और आगे निकली, तो ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट था आपको नजर आ रहा है वो यहाँ पे आता, ठीक है जी। आई एम गोइंग टू रिट्रेस द वेव, लेकिन मैं ऊपर से कॉपी डायग्राम कर लूंगा दोबारा से। लेकिन आप फिर से देख रहे होंगे कि जो है वो क्या हुआ, फिर से ये दोनों वेव्स फेज में आ गई हैं। एंड देन व्हाट यू विल गेट? यू विल अगेन गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोबारा से आपकी ऐसी बनेगी वेव, ठीक है जी। नाउ लेट्स लुक एट द कंप्लीट पिक्चर के हुआ क्या, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव मी अ सेकंड ताकि मैं ऊपर वाली डायग्राम दोबारा से कॉपी कर लूँ। सो बेसिकली 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 अगर मैं दोबारा से क्वार्टर टाइम पीरियड से आगे निकल जाऊं, तो यानी मैं अगर क्वार्टर 3/4 में ऐड करता हूं, तो मैं कहां पे पहुंच गया? मैं एक पूरे टाइम पीरियड पे पहुंच गया, ठीक है जी। मतलब टाइम पीरियड के क्वार्टर पे। नाउ एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 यू हैड द वेव्स कंप्लीटली इन फेज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिली, रिजल्टेंट वेव ऐसी बनती। क्वार्टर टी पे क्या होता था? दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज हो जाती थी, 0 रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होती थी। हाफ टी पे द वेव्स वुड बिकम 0 डिग्री फेज डिफरेंस दोबारा से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस, लेकिन कंस्ट्रक्टिव ऐसी कि जो वेव की जो बेसिकली लूप थे वो अपोजिट डायरेक्शन में होते, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर 3/40 पे दोबारा से बिकम आउट ऑफ फेज, फिर दोबारा से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0, और फिर टाइम टी इक्वल्स टू टी पे दोबारा से ऐसे फेज में आती है। कैसे फेज में आती है? कि जो आपका टी इक्वल्स टू 0 पे जो फ्रेम था वही फ्रेम आपको टी इक्वल्स टू टी अपॉन टी में मिल रहा है। यानी पूरा ये प्रूव हो गया कि एक टी इक्वल्स टू 0 से लेकर टी इक्वल्स टू टी तक इसने अपनी एक पूरी कंप्लीट साइकिल कर ली, जहां से शुरू करी थी वहां पे खत्म हुई, ठीक है। तो मतलब एक स्टेशनरी वेव का भी जो टाइम पीरियड होता है वो भी वही टाइम पीरियड होता है जो उसकी प्रोग्रेसिव वेव्स का, मतलब जो प्रोग्रेसिव वेव्स उसको बना रही है उनका जो टाइम पीरियड है वही टाइम पीरियड इस स्टेशनरी वेव का भी होगा। और जो वेवलेंथ इन प्रोग्रेसिव वेव्स की है, ठीक है जी, यू कैन सी जो वेवलेंथ आपकी प्रोग्रेसिव वेव्स की है वही वेवलेंथ आपकी किसकी है? वही आपकी स्टैंडिंग वेव की है। तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव। एक वेव जाती है आगे, उसी की एक बेसिकली ट्विन विच हैज द सेम लैम्डा सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेलोसिटी वो जाती है उसके डायरेक्शन को अपोज करती है डिफरेंट डायरेक्शन में। अब जब तक वो एक दूसरे में से जाती रहेंगी देन दे विल बी फॉर्मिंग स्टेशनरी वेव्स। और स्टेशनरी वेव्स कैसी बनती है? स्टेशनरी वेव्स जो है वो एक ही स्पॉट पे, अब देखोगे द स्पॉट नेवर चेंज्ड, ये एक ही स्पॉट पे पहले यूं थी, फिर एक ही स्पॉट पे इट बिकेम फ्लैट, फिर एक ही स्पॉट पे ये डिफरेंट हो गई, फिर एक ही स्पॉट पे दोबारा से फ्लैट हुई, और फिर एक ही स्पॉट पे वापस से अपनी इनिशियल चीज पे पहुंच गई। सो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव। इस तरह से ये स्टेशनरी वेव जो है आपकी फॉर्म होती है। Is necessary to memorize the diagrams? No, Abdullah, you do not need to memorize any of this. This is for you. ये मतलब ये नहीं आएगा कि you will be needed to explain this या draw this diagram या ये बना के दिखाओ या इनको समझाओ। ये क्यों करवाया है? इसमें से बताता हूँ क्या क्या चीजें आप लोगों को याद रखनी है, क्या क्या चीजें आप लोगों को समझनी है, ठीक है जी। अच्छा, नाउ इसमें जो ये करवाया है, यू डू नॉट नीड टू बी एबल टू ड्रॉ दिस डायग्राम टू एक्सप्लेन टू द एग्जामिनर। एग्जामिनर से सवाल नहीं पूछेगा आपसे कि हमें फॉर्मेशन ऑफ स्टेशन ये बताओ, ये एक वेव आगे ट्रैवल करती है, दूसरी वेव पीछे ट्रैवल करती है, पूरा दिखाओ हमें कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू आस्क यू दैट। लेकिन एग्जामिनर आपसे जरूर कुछ चीजें पूछेगा। कुछ चीजें क्या, वो मैं इधर लिखवा देता हूँ, ठीक है जी, वो मैं इधर ही लिखवा देता हूँ।
नंबर वन पॉइंटर इज के यू शुड रियलाइज के द स्टेशनरी वेव हैज द सेम लैम्डा एज द इंडिविजुअल वेव्स. ठीक है जी, आई होप यू कैन सी दैट इन द डायग्राम. जो स्टेशनरी वेव का लैम्डा आता है, यू कैन सी एक लैम्डा क्या होगा, एक पूरी वेव. तो एक रिजल्टेंट वेव जो पूरी बनती है, उसमें जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिविजुअल वेव्स थी वो भी पूरी पूरी बनती है. तो स्टेशनरी वेव का जो लैम्डा है वो उसकी दो प्रोग्रेसिव वेव की कॉन्स्टिट्यूएंट्स के भी बराबर है वो लैम्डा. दूसरी बात क्या है, यू गाइस आई ऑल्सो शोड यू थ्रू द फॉर्मेशन कि ये जो टाइम टी इक्वल्स टू जीरो से लेकर टाइम टी इक्वल्स टू टी तक जाते हो, ठीक है जी, इसमें एक पूरी वेव बनती है. ठीक है, मतलब इसमें एक कहानी होती है कि वेव जैसे शुरू हुई थी फिर उसके बाद वो वैसे उस पॉइंट पे पहुंचती है, और वेव यही होता है. ठीक है जी, एक वेव क्या है, वो अपने स्टार्टिंग पोजीशन से वापस से उस पोजीशन पे कब आई, वापस से वो फिर फेज में कब आई. ठीक है जी, तो एक वेव जो बनी फिर दोबारा से वो वेव फेज में कब आई उस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से, तो वो एक आपका टाइम पीरियड कहलाएगा. कोइंसिडेंटली ये दिख रहा होगा, काफी क्लियरली दिख रहा होगा कि जो पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड है, यानी टाइम पीरियड ऑफ दीज रेड एंड ब्लू वेव्स जो सेम होगा बिकॉज दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, वही टाइम पीरियड आपकी स्टेशनरी वेव्स का भी है. ठीक है जी, तो स्टेशनरी वेव्स हैव द सेम टाइम पीरियड एज द इंडिविजुअल वेव्स. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. और अब्दुल्ला, अब थोड़ा सा मैं बताने वाला हूँ कि व्हाई डिड आई डू दिस डायग्राम विद यू, क्योंकि अब्दुल्ला वो आपसे पूछेंगे, आपको दे दी एक पॉइंट इन इंस्टेंट में वेव, मतलब फॉर एग्जांपल आपको बोलते हैं कि ये जो है वो पोजीशन ऑफ द स्टेशनरी वेव थी एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, टाइम टी इक्वल्स टू 3/4t पे बना के दिखा दो वेव कैसी होगी. ठीक है जी, मतलब ये डायग्राम बनाने का ये जो फायदा था, ये बनाने का तरीका था, मैंने जो समझाना था, मुझे आपको ये समझाना था कि एक स्टेशनरी वेव जैसी होती है, क्वार्टर टाइम पीरियड बाद वो फ्लैट हो जाती है, फिर क्वार्टर टाइम पीरियड बाद वो उल्टी हो जाती है, फिर क्वार्टर टाइम पीरियड बाद वो फ्लैट होती है, फिर क्वार्टर टाइम पीरियड बाद वो वापस पहुंची. मतलब ये जो स्टेशनरी वेव की जो प्रोग्रेशन है वो बेसिकली ये है कि एक वक्त वो मैक्सिमम पे होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से होगी, क्वार्टर टाइम पीरियड उसके बाद गुजारोगे तो वो आ जाएगी रिजल्टेंट जीरो पे, फिर क्वार्टर जब गुजारोगे तो उल्टी हो जाती है. ठीक है, तो देख क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोलते हैं यार ये फ्रेम है, ठीक है जी, ये थी हमारी स्टेशनरी वेव एट दिस टाइम, टेल अस वट इज द, मतलब आपको डायग्राम आपको बोलते हैं कि बना के दिखा दो कि स्टेशन वेव कैसे दिखेगी एट टाइम टी इक्वल्स टू 3/4t. तो आपको उसमें क्वार्टर क्वार्टर का अंदाजा लगाते हुए देखते हुए कि एक स्टेशनरी वेव एक टाइम पीरियड में ये होती है, क्वार्टर में फ्लैट, क्वार्टर में उल्टी, क्वार्टर में फ्लैट, फिर क्वार्टर में दोबारा पहुंचती है. तो दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस, ये पूछा जा सकता है. तो मैंने पिछली स्लाइड पे जो है वो एक चीज लिखवाई थी, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव. ठीक है जी, इसका एक टिपिकल आंसर है, आप लोगों को अभी मैंने दिखाया के जो है वो स्टेशनरी वेव कैसे बन रही है. तो नाउ लेट्स राइट ट्राई टू पुट दैट इन वर्ड्स. ठीक है जी, सो पुट दैट इन वर्ड्स, एक वेव इसमें जो है वो आप क्या लिखोगे, वन वेव ट्रेवल फॉर ट्रेवल्स फॉर, और अनदर वेव ट्रेवल्स बैकवर्ड्स. ठीक है जी, बट नॉट जस्ट एनी अदर वेव, इट शुड बी सेम वेलोसिटी, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेव, अनदर वेव ट्रेवल्स बैकवर्ड्स. ठीक है जी, सो मैं जो हूँ वो ये कंडीशंस इधर पॉइंट करके लिख रहा हूँ कि जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो आपको ये तीन चीजें फिर इस पॉइंटर के साथ लगानी पड़ेंगी साथ. ठीक है जी, नाउ ये चीज करना कि एक वेव ऐसी हो और फिर एक दूसरी सोर्स को इस्तेमाल करते हुए फिर एक और वेव ऐसी बनाओ जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिसकी वेवलेंथ भी सेम हो, जिसकी वेलोसिटी भी सेम हो. तो जैसे हमने इंटरफेरेंस में डिस्कस करना करा था कि दो सोर्सेस को सेम करना बड़ा मुश्किल काम, इट इज अ हार्ड थिंग. उससे ज्यादा आसान तरीका हमने डबल स्लिट में देखा था, एक ही उसको तोड़ के दो हिस्सों में तोड़ दो, वी सॉ दैट इन द डबल स्लिट. स्टेशनरी वेव्स में भाई देखो, हमें एक वेव चाहिए आगे की तरफ, एक वेव चाहिए पीछे की तरफ, और एक जो पीछे की तरफ चाहिए वो बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जो आगे की तरफ है. सो दिस इज मोस्टली मोस्टली अचीव्ड बाय रिफ्लेक्शन. सबसे आसान हल इसका रिफ्लेक्शन है. क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ भाई एक प्रोग्रेसिव वेव ऐसे भेजो, ठीक है जी, भेजते रहो उसको, अब ये जाएगी 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 और हम यहाँ बीच के रास्ते में रिफ्लेक्टर लगा देते हैं. ठीक है जी, अब ये जा रही है, ठीक है जी, ये जा रही है, यूं जा रही है, जा रही है, रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाएगी. ठीक है जी, तो जो वेव हमें आगे की तरफ चाहिए वो भी आ गई है, रिफ्लेक्ट करने के बाद दूसरी वेव पीछे की तरफ. अच्छा, सो बेसिकली जब ये जा रही होगी तो ऑब्वियसली इसके पीछे भी और वेव्स हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है अकेले आ रही है, इसके पीछे भी वेव्स हैं. सो इट्स कमिंग लाइक दिस, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है. सो जब ये जाती है, ठीक है जी, अब ये जा रही है, ये गई, फिर ये बाउंस बैक करके वापस आने लगेंगी. तो ये जो आ रही है पीछे से, अब जब ये बाउंस बैक करती है, ठीक है जी, तो ये जो वेव्स अब यहां से निकलना शुरू होती है वो अब पीछे की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देती है. तो होता यह है कि एक वेव जो आपको आगे तरफ चाहिए वो भी आ गई,
और रिफ्लेक्ट करके जो पीछे तरफ चाहिए थी वो भी आ गई है, सेम वेलोसिटी सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ वैसे ही होगा, क्योंकि दो ही वही वेव्स इस्तेमाल करेंगे, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया और तो कोई हमने कहा नहीं चेंज नहीं करी, बस उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज किया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल बी सीइंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स बीइंग अचीव्ड बाय अ रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। और आपके लिए भी ये है कि सबसे अच्छा तो यही है कि अगर आपको भी बोला जाए कि हमें स्टेशनरी वेव फॉर्म करके दिखाओ, तो जस्ट पुट समथिंग के जहां से वेव रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक है जी। और फिर क्या लिखो कि आप बोथ वेव सुपरपोज, ऑब्वियसली वो हुआ मैंने ऑन द डायग्राम ऑन द नेक्स्ट पेज भी मैंने आपको ये दिखाया भाई, बोथ वेव सुपरपोज करती हैं। अब अगर दो ऐसी वेव्स हैं जिनकी कंडीशंस ये सब फुलफिल्ड हैं, तो वो जब सुपरपोज करेंगी तो 110% श्योर वो स्टेशनरी वेव्स ही बनाएंगी और किसी तरीके की वेव नहीं बनाएंगी, ठीक है जी। नाउ दूसरी चीज, स्टेशनरी वेव्स में ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, नो दे कैन बी लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स बोथ। It would be difficult for you guys to wrap your heads around a longitudinal जो है वो stationary wave, ठीक है जी, लेकिन take my word for it, sound में भी हमें ये stationary waves मिलती हैं। We do find stationary waves in sound. ऐसा नहीं है कि ये नहीं होती हैं, transverse में भी होती हैं, longitudinal में भी होती हैं। Longitudinal में visualize करवाना आप लोगों को on a paper would be hard. अगर हम देख सकते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन दैट इज हार्ड। सो जो कहानी है अक्सर बेशतर ट्रांसवर्स के थ्रू ही, वो डायग्राम भी आपको जो बना के देंगे ऐसा लगेगा ट्रांसवर्स की ही बात करें, लेकिन क्वेश्चन उसमें जरूर लाजमी पढ़ लेना है कि कहीं लॉन्गिट्यूडनल तो नहीं है वो वेव। तो ऐसी कोई कहानी नहीं है कि स्टेशन वेव सिर्फ ट्रांसफर होती है, स्टेशन वेव ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द नेचर। अगर साउंड वेव इस्तेमाल कर रहे हो तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशन वेव बनेगी, अगर लाइट वेव इस्तेमाल कर रहे हो या इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम कुछ भी इस्तेमाल करो तो वो ट्रांसवर्स स्टेशन वेव बनेगी। दैट इज गोइंग टू डिपेंड कंप्लीटली एंड प्योरली ऑन द नेचर ऑफ द वेव, ठीक है जी। अच्छा, and now some really important things that you need to remember, ठीक है जी। and इधर जो है वो mistakes होती हैं, इस पे मैं जो हूँ वो highlight करके लिख रहा हूँ। क्या highlight करके लिख रहा हूँ? ये जो discussion है ये सिर्फ और सिर्फ stationary waves के लिए, ठीक है जी। don't take this discussion anywhere else in your course, मतलब प्रोग्रेसिव वेव्स में ये discussion apply नहीं होती। प्रोग्रेसिव वेव सारी discussion हम कहाँ कर चुके हैं? वेव्स वाले chapter में खत्म करके आ चुके हैं। अब जो ये डिस्कशन कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी वेव्स की है, यानी मतलब स्टैंडिंग वेव्स की है जो एक पॉइंट पे ही खड़े होकर ऑसिलेट होती होती है, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन क्लियरली सी, व्हाट कैन यू सी, आपको जो अगले डायग्राम पे मैंने दिखाया है, यू कैन सी कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट, ठीक है जी, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, एंड लेट्स मार्क दीज पॉइंट्स ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये अच्छा, ये पॉइंट्स क्यों मार्क कर रहा हूँ, ये क्यों मैं ये नुक्ते बना रहा हूँ ऐसे, ये नजर आ रहा होगा कि ये जो पॉइंट्स मैंने जो मार्क किए हैं ये सारे एक ही लाइन पे मैंने मार्क किए। अच्छा, अब इसमें बताने का मतलब ये है कि कुछ पॉइंट्स आपको बाकायदा जरा नजर आ रही हैं कि टाइम जो भी हो जाए वो अपनी जगह से नहीं हिलते, ठीक है। लुक एट द रिजल्टेंट वेव, जब रिजल्टेंट वेव बन भी रही थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती, तब भी ये पॉइंट जीरो पे था, फिर जब डिस्ट्रॉय हो गई कंप्लीटली तब भी ये जीरो पे ही था, फिर जब कंप्लीटली फ्लिप हो गई तब भी ये जीरो पे था, फिर जब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई तब भी ये जीरो पे था, फिर दोबारा से जब पूरी अपनी ओरिजिनल शेप में आई तब भी ये जीरो था। तो कुछ पॉइंट्स वेव्स में, ये स्टेशनरी वेव में ऐसे होते हैं, लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दीज डू नॉट मूव, मतलब दे शो एब्सोल्यूटली नो डिस्प्लेसमेंट, एंड दीज पॉइंट्स आर नोन एज नोड्स। ये प्रोग्रेसिव वेव्स के अंदर नोड्स नहीं होते हैं, देयर इज नो पॉइंट, जैसे हमने बात करी है प्रोग्रेसिव वेव क्या है, प्रोग्रेसिव वेव बकायदा चलती है। तो प्रोग्रेसिव वेव में अगर कोई पॉइंट पड़ा हुआ है ए बी और सी, सब पॉइंट्स डिस्प्लेस होंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे डिस्प्लेस होंगे, होना तो सबको डिस्प्लेस है, बस टाइमिंग सबकी डिफरेंट है। स्टेशनरी वेव में ऐसी कहानी नहीं है, स्टेशनरी वेव में कुछ पॉइंट्स आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जो अपनी पूरी तमाम जिंदगी कभी भी डिस्प्लेस नहीं करेंगे, एंड दोज पॉइंट्स आर नोन एज नोड्स, दीज आर नोन एज नोड्स। नोड्स जो होते हैं आपके, डू नॉट टेक, अगर आपसे कोई पूछे प्रोग्रेसिव वेव का मुझे नोड बता दो क्या होता है, आप उसके मुंह पर मेरी तरफ से थप्पड़ लगा दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज प्रोग्रेसिव वेव्स में नोड्स की कोई डिस्कशन की नहीं जा सकती, ठीक है। तो नोड्स क्या होते हैं? नोड्स होते हैं पॉइंट्स ऑफ मिनिमम और जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये अपनी पूरी जिंदगी जब तक स्टेशनरी वेव बन रही है ये हिलते ही नहीं है, दे विल नेवर मूव फ्रॉम देयर पोजिशन। अच्छा, इसी के बरक्स कुछ पॉइंट्स होते हैं आपके पास नोन एज एंटी नोड्स, और ये वो पॉइंट्स हैं जो पूरा वक्त झूलते रहेंगे, और झूलते कैसे रहेंगे, झूलते ऐसे रहेंगे कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स लेते हैं, यानी दिस वन इज एन एंटी नोड, दिस वन इज एन एंटी नोड,
इस वे अभी जीरो जीरो हो गई है, इसमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो गया एंटी नोड कौन सा है, क्यों, बिकॉज कोई पॉइंट अभी मैक्सिमम डिस्टेंस में नहीं, लेकिन ये जो पॉइंट है ये वाला बीच में जो एंटी नोड ये जो बन रहा है, ये एंटी नोड क्या होता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेस, ठीक है जी। मतलब अगर एक पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले रहा है वो पॉइंट कहलाएगा या वो पार्टिकल कहलाएगा एट द एंटी नोड ऑफ द वेव, ठीक है जी। अच्छा, और ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो एंटी नोड्स हैं, ये भी एक ही जगह पे रह रहे हैं, ठीक है। मतलब ऊपर वाली वेव में जो एंटी नोड बन रहा था, नीचे वाली वेव में भी वहीं पे ही एंटी नोड बन रहा है, ऐसा नहीं है एंटी नोड की जगह शिफ्ट पोजीशन हो रही है। रिलेटिव टू द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दैट इज नॉट चेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन एंटी नोड्स इन नोड्स की सेम रहती है, बस नोड्स ये होते हैं कि वो अपनी जगह पे रहते हैं। एंटी नोड्स क्या होते हैं, एंटी नोड्स पे यू सी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स, आपको बार बार मैक्सिमम्स वहां पे मिलेंगे डिस्प्लेसमेंट्स के। मैक्सिमम से क्या मतलब, हो सकता है एक पॉइंट वेव जो है वो ऊपर जा रही है उस पॉइंट पे, फिर दूसरे टाइम में देखोगे तो वेव वहां पे नीचे जा रही है, लेकिन ये होगा कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स मिले, ठीक है जी। सो एंटी नोड्स क्या होते हैं, एंटी नोड्स होते हैं पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इन 180 डिग्री देयर इज नो एंटी नोड, अल्मा उसमें एंटी नोड ये है, दिस इज एंटी नोड, ठीक है जी। इसमें मैं अगर एंटी नोड मार्क कर दूंगा तो देर विल बी यू माइट अगर पीडीएफ रिव्यू करें तो शायद प्रॉब्लम हो जाए। मतलब बेसिकली ये है, ये जो वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन पे तमाम मतलब ये पॉइंट था किस चीज का, ये एंटी नोड का पॉइंट था। मतलब ये जो पार्टिकल है ये वाला जो इस लाइन पे है, ये एंटी नोड वाला पार्टिकल है, ये या तो मैक्सिमम पे होता है या तो मिनिमम पे आता है। मतलब ये है कि ये पार्टिकल पूरा पूरा झूलता है, उसको एंटी नोड कहते हैं। नोड क्या है, नोड वो है जो बिल्कुल भी नहीं हिलता, एंटी नोड वो है जो पूरा पूरा हिलता रहता है, हिलता रहता है, हिलता रहता है। तो इन ऑल ऑफ दीज वेव्स यस देर आर एंटी नोड्स, बस उसमें मैंने मार्क इसलिए नहीं किया क्योंकि उधर पीडीएफ शायद रिव्यू करते हुए मिस्टेक हो जाएगा, शायद ये एंटी नोड क्या था समझ में आना बंद हो जाए। दोनों स्ट्रेट लाइन पे होंगे, यस आपके बेसिकली यहाँ है एंटी नोड, दिस इज द पोजिशन ऑफ द एंटी नोड, ये है, ठीक है। लेकिन आपको कभी ये नहीं दिया जाएगा स्ट्रेट लाइन मार्क करके दे दिया, आपको बोलेंगे नोड एंटी नोड मार्क करो, ऐसा नहीं पूछ जाएगा आपको। अगर पूछेंगे नोड एंटी नोड मार्क करो तो ऐसी वेव बना के देंगे, फर्स्ट वाली जो मैंने केस सिनेरियो में वैसी बना के देंगे, या हो सकता है ये वाली बना के दें, और तब तो आपसे पूछेंगे एंटी नोड नोड बना के दो, इसमें पूछ सकते हैं, उसमें नजर ही नहीं आ रहा है, क्या बोलोगे, किसको बोलोगे एंटी नोड नोड, तो उसमें टेंशन नहीं लो। इसमें इसलिए मार्क नहीं किया, वाई, बिकॉज इसमें नजर नहीं आने वाला, पूछ भी लेंगे तो कैसे बचलेगा, जब तक नोड्स की पोजीशन नहीं बताई हो, जब तक एंटी नोड्स की पोजीशन नहीं बता सकते हो इन डायग्राम्स में, बहरहाल जिसमें डिस्प्लेसमेंट नजर आ रही है उसमें एंटी नोड्स बता सकते हो, तो वो डायग्राम्स यही वाली देंगे जिसमें पूरी वेव आपको बनती हुई नजर आएगी, ठीक है, टेंशन नहीं लो। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अ सैम्पल वेव ताकि इधर मैं डिस्कशन कर सकूं और इधर भी बातें, मतलब इधर अभी समझ में आ जाएगा एंटी नोड और नोड आपसे अगर जब भी पूछेंगे ना तो आपको डायग्राम कैसी बना के देंगे, ठीक है, तो डायग्राम आपको ऐसी बना के देंगे, दे विल गिव यू अ कंप्लीट वेव। लेकिन अब जो ये डायग्राम बना के दी है ये स्टेशनरी वेव, मतलब आपको बताएंगे भाई ये स्टेशनरी वेव की डायग्राम है, ठीक है जी, इसको हल्का नहीं लीजिएगा, स्टेशनरी वेव हमने आपको बना के दी, सही है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट डिस्टेंस। अच्छा, और लेट्स आई एम जस्ट गोइंग टू मार्क सर्टेन पॉइंट्स, डायग्राम बना के देंगे तो ऐसे ही बना के देंगे और फिर आपसे पूछेंगे एंटी नोड नोड मार्क करके दो, तो नोड क्या होंगे, नोड वो वाले पॉइंट्स होंगे जो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे, लेकिन नोड या एंटी नोड मार्क करने के लिए वो पहले आपको बताएंगे कि स्टेशनरी वेव है, ये नहीं आप प्रोग्रेसिव वेव की डायग्राम में बना के किसी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में बना के आ रहे हो नोड एंटी नोड, नहीं, वो चीज स्टेशनरी वेव लाजमी होनी चाहिए, ठीक है जी। और ये हो गए आपके एंटी नोड के पॉइंट्स, सही है, तो ये है पूरी बात। अच्छा, नाउ आई एम प्रीटी श्योर सबको ये तो नजर आ रहा होगा कि ये एक कंप्लीट लैम्डा होगा, राइट, एक कंप्लीट लैम्डा, एक पूरी वेव का डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी वन कंप्लीट लैम्डा। लेकिन 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 एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी, एक बड़ा जो है मजे का किस्सा है, मजे का किस्सा क्या है, ये नोड और नोड, नोड और नोड के बीच में देखोगे कहानी क्या है, हाफ लैम्डा है। सो बेसिकली ये भी चीज आपको याद रखनी है, क्या चीज याद रखनी है, बिटवीन टू नोड्स यू हैव अ डिस्टेंस ऑफ हाफ लैम्डा, ठीक है। मतलब हो सकता है वो आपको दे भाई ये पॉइंट हमें मिला नोड का, उसके बाद उसका कंसेक्यूटिव नोड वाला पॉइंट ये था, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे दिया, आपको पता चल गया अच्छा ये हाफ लैम्डा होगा, तो लैम्डा निकाल लोगे इससे। सिमिलरली बड़ा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा होगा, अच्छा नोड के नोड, दो नोड्स के बीच में एंटी नोड आता है, सिमिलरली नेक्स्ट टू नोड्स के बीच में एंटी नोड आएगा, तो ये जो दो एंटी नोड्स के बीच में भी जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हाफ लैम्डा। तो जरूरी नहीं है सिर्फ आपको नोड वाले पॉइंट दें, वो आपको एंटी नोड वाले भी दे सकते हैं, वो आपको ये बोले भाई हमने एक पॉइंट ऐसा मेजर किया जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं मिली, हमें कुछ भी नहीं मिला, सिग्नल नहीं मिला, फिर हम आगे चल देगा आधे तो उसके बाद नेक्स्ट वन जगह पॉइंट आया जहाँ सिग्नल बिल्कुल भी नहीं मिला, तो आपने कह लिया अच्छा ठीक है हाफ लैम्डा हो गए, या फिर आपको ऐसी दें कि एक पॉइंट में हम ऐसे दें हम बिल्कुल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिल रही थी हमें,
उसके बाद हम आगे चलते हुए गए तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुई, फिर एकदम से फिर हमें मैक्सिमम दोबारा से मिली। तो आपने कहा अच्छा ये दो एंटी नोड्स के बीच में कहानी बता रहे, अब दो नोड्स के बीच में बताएं या दो एंटी नोड्स के बीच में बताएं, हाफ लैम्डा विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स या फिर टू नोड्स। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम अभी तक? दी डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स स्लैश एंटी नोड्स इज हाफ लैम्डा। फिर लास्ट बात क्या है, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे अक्सर आके बच्चे जो है वो फंसेंगे और उनको ये चीज याद नहीं रहेगी। ये डिस्कशन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ स्टेशनरी वेव्स के लिए है, नोड्स एंटी नोड्स सिर्फ स्टेशनरी वेव में, डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एंटी नोड इज हाफ लैम्डा सिर्फ स्टेशनरी वेव के लिए, और नोड्स और एंटी नोड वैसे ही प्रोग्रेसिव वेव में नहीं होते। ये भी जो कहानी अब लिखने जा रहा हूँ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ये भी स्टेशनरी वेव के लिए है। अगर 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 मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मेरे पास एक पॉइंट पी है और मेरे पास एक पॉइंट क्यू है, लेट्स मार्क देम विद ब्लू, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है, कैन यू टेल मी दी फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स? अगर ये एक स्टेशनरी वेव है तो एक लूप में जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 डिग्री होता है, द फेज डिफरेंस इन अ लूप इज 0 डिग्री। मैं बता रहा हूं तो अभी 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 सिर्फ पॉइंटर लिखवाया इज 0 डिग्री, अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। द फेज डिफरेंस इन अ लूप इज 0 डिग्री, प्रोग्रेसिव वेव्स के लिए नहीं है ये बात जो मैंने बोली अभी, प्रोग्रेसिव वेव्स के लिए नहीं, प्रोग्रेसिव वेव्स के लिए मैंने आपको बताया था, मैंने क्या क्या तरीके बताए, मैंने आपको बताया ट्रांजिशन देखो, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इंटू 360 डिग्री उससे निकलेगा। स्टेशनरी वेव्स में ट्रांजिशन नहीं देखने की जरूरत, ना ही आपको ये देखने की जरूरत है कि उनका डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, मतलब आपको ये नहीं की जरूरत कि इन दोनों के बीच में डेल्टा एक्स क्या आ रहा है वो ले लेते हैं, ठीक है फिर डेल्टा एक्स को फिर डिवाइड बाय लैम्डा करते हैं फिर 360 मल्टीप्लाई करते हैं आ गया फेज डिफरेंस आ गया। नो, ये कहानी प्रोग्रेसिव वेव्स के लिए थी, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, और ये जो कहानी अभी समझा रहा हूँ ये प्रोग्रेसिव वेव्स में नहीं जानी चाहिए, यहीं की रहनी चाहिए। ठीक है जी, स्टेशनरी वेव को समझना, जो मैंने हमने अभी हमने समझा है इतनी देर तक स्टेशनरी वेव को, तो प्रोग्रेसिव वेव क्या थी, प्रोग्रेसिव वेव थी इट प्रोग्रेसिस, ये चलती है। ठीक है, तो बेसिकली जो फेज डिफरेंस आता था वो इसलिए आता था बिकॉज प्रोग्रेसिव वेव जब ए में से जा रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बी पे भी वही डिस्प्लेसमेंट दे रही हो अनटिल अनलेस पूरा एक लैम्डा गुजर चुका है दोनों बीच में। तो ए वाला पॉइंट पहले उठता है, पहले डिस्प्लेसमेंट दिखाता है पूरी वेव की, बी वाला बाद में किसी और टाइम में जाके जब वेव उस तक पहुंचती है तब दिखाता है। फेज डिफरेंस बेसिकली इसकी वजह से आता है बिकॉज ऑफ द वेव रीचिंग बोथ पॉइंट्स एट डिफरेंट टाइम्स, दोनों में से गुजरती है तो डिफरेंट टाइम्स में से गुजरती है, ठीक है, इट पासिस थ्रू देम एट डिफरेंट टाइम्स, और जो डिस्प्लेसमेंट्स उनकी आती हैं कंसेक्यूटिव, मतलब उनकी जो कॉन्सिक्वेंटली डिस्प्लेसमेंट्स आती हैं वो अलग आती है। क्यों अलग आती है, बिकॉज ऑफ द टाइम फैक्टर, टाइम की वजह से अलग आ रही है ये वेव, इसमें से जाती है एक टाइम में, एक ही डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगी, बी की डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगी, वो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बेसिकली ये था। ठीक है, फेज डिफरेंस इज बेसिकली दिस। स्टेशनरी वेव क्या है, स्टेशनरी वेव आपकी ये है, एक पॉइंट इन टाइम में स्टेशनरी वेव आपकी यू होगी और पूरी पूरी यू होगी, फिर यू होगी, फिर यू होगी, फिर यू होगी, फिर यू होगी। द स्टेशनरी वेव इज नॉट अ वेव दैट इज मूविंग, मतलब ऐसी कोई कहानी नहीं है इसमें कि ए पहले डिस्प्लेस करता है फिर बी बाद में डिस्प्लेस करता है, ऐसी कहानी नहीं है। इस स्टेशनरी वेव में ए भी जिस टाइम पे ऊपर जा रहा है उस टाइम पे बी भी ऊपर जा रहा है। ठीक है जी, सो स्टेशनरी वेव में जब भी एक लूप में जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो 0 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पी ऊपर जाना शुरू हुआ था उसी टाइम पे क्यू भी ऊपर जाना शुरू हुआ है, राइट, दिस इज नॉट प्रोग्रेसिव, चलती जा रही है स्टेशन वेव, तो अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे हो रही है, प्रोग्रेसिव वेव चलती हुई आने वाला, इसमें किस्सा नहीं है, दिस इज स्टेशन वेव दैट इज गोइंग अप एंड डाउन। तो एक लूप में अगर पॉइंट्स हैं आपके पास तो उस लूप में ये दोनों पॉइंट्स बाकायदगी से एक ही टाइम पे ऊपर जाना शुरू करेंगे या नीचे जाना शुरू करेंगे, अगर ये बॉटम वाला लूप बनता तो फिर ऐसा बनता, लेकिन ये होता एक ही टाइम। सो देयरफॉर जब तक आप एक लूप में हो तब तक आपका फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है, किस चीज के लिए, ओनली फॉर अ स्टेशन वेव। ठीक है अब्दुल्ला, ठीक है बाकी सबको भी, सो ए एंड क्यू मतलब स्टेशन वेव में एनी टू पॉइंट्स ऑन द वेव विल बी हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 0 डिग्री इन अ स्टेशन वेव, एनी टू पॉइंट्स इन अ लूप यानी ये जो लूप है क्रेस्ट वाला लूप या सिर्फ ट्रफ वाला लूप, नॉट पूरी वेव, या तो क्रेस्ट में, अगर क्रेस्ट वाले लूप है तो इस वाले लूप में जो भी दो पॉइंट्स देखते हो वो 0 डिग्री,
इस वाले लूप में जो भी दो पॉइंट्स दिखते हैं वो जीरो डिग्री। एंड यस अल्मा यू आर ए एंड क्यू ऑल्सो हैव जीरो डिग्री फेज डिफरेंस, ए एंड पी ऑल्सो हैव अ जीरो डिग्री फेज डिफरेंस, पी एंड क्यू ऑल्सो हैव अ जीरो डिग्री फेज डिफरेंस। ठीक है, मतलब बेसिकली एक्स वाई दीज आर ऑल्सो जीरो डिग्री आउट ऑफ फेज। ठीक है, एक लूप में जब तक है पॉइंट्स दे आर जीरो डिग्री फेज डिफरेंस। देन व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑन डिफरेंट लूप्स, वो बता रहा हूं अब्दुल्ला, वो बता रहा हूं। ठीक है, सो ये आ गया द फेज डिफरेंस ऑपोजिट लूप्स इज 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम आर को ले लेते हैं, लेट्स टेक आर विद अ ब्लू, तो अब क्यू एंड आर का 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। क्यों, बिकॉज जिस टाइम में क्यू ऊपर जा रहा होता है उस टाइम में आर नीचे जा रहा होता है, बस सिर्फ इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाने की वजह से, इसलिए 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ठीक है नहीं, तो जब तक पॉइंट्स एक लूप में है दे विल बी जीरो डिग्री आउट ऑफ फेज। जब आप दो पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट लूप में कंसिडर करना शुरू कर दोगे तब वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरी बात भी क्लियर कर दूं, अगर इसी वेव को कंटिन्यू करके और आगे बना दूं ताकि वो बात भी रहे क्लियर, एंड लेट्स टेक अ पॉइंट एक्स ऑन इट, इधर आ जाते हैं एक्स, तो एक्स क्यू एंड पी एंड ए आर ऑल जीरो डिग्री आउट ऑफ फेज बिकॉज दे आर इन द सेम काइंड ऑफ लुक। लेकिन एक्स आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, आर क्यू 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, ए आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, आर एंड दिस ए जीरो डिग्री आउट ऑफ फेज। जब तक एक लूप की बात कर रहे हो, या एक अगर मैं ऐसी के आगे कंजर्वेटिव लूप ऐसा बनाता अब डाउनवर्ड वाला, और मैं इस पे बात कर रहा होता लेट से डी की, तो डी एंड आर जीरो डिग्री आउट ऑफ फेज। इफ दे आर इन द सेम काइंड ऑफ लूप जीरो डिग्री आउट ऑफ फेज, बट इफ 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 दे आर इन ऑपोजिट लूप्स, दो अलग शक्ल के लूप्स में है, तो फिर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आपके जो है वो ये कहानी होगी। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट दिस, पी एंड क्यू एंड एक्स आर जीरो डिग्री आउट ऑफ फेज, और इसमें लेट्स फॉर एग्जाम्पल से एक्स एंड आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ठीक है जी, सबको क्लियर स्टेशनरी वेव्स की कहानी, ये पूरी चीजें हैं जो आपको स्टेशनरी वेव्स में याद रखनी है। दिस इज रिगार्डिंग ऑल ऑफ दी जो चीजें जो हैं जो प्रोग्रेसिव वेव से डिफरेंट हैं, इसमें ये मैंने आपको सब बता दिया। डिस्क्राइब द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर टू वेव्स टू बी एबल टू फॉर्म अ स्टेशनरी वेव, तो वन वेव मस्ट ट्रेवल फॉरवर्ड्स, या वन वेव मस्ट ट्रेवल इन वन डायरेक्शन। ठीक है, आई एम डूइंग दिस क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आंसर है, ताकि मैं एक दफा दिखा दूं आंसर कैसे लिखेंगे, फिर ये वाला क्वेश्चन और नहीं करेंगे क्योंकि मैं आगे लिखवा चुका हूं। वन वेव मस्ट ट्रैवल इन वन डायरेक्शन व्हाइल द अदर ट्रैवल्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ट्रैवल्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दे मस्ट बी ऑफ द सेम नेचर, वेवलेंथ, वेलोसिटी and frequency as the waves pass through each other, they will superpose. ठीक है जी, and form a stationary wave. Can't we write only the conditions? एक सेकेंड, अल्मा, and form a stationary wave. इसमें मैं अंडरलाइन करता हूँ किस चीज के मार्क्स हैं। एक मार्क इसका है कि दोनों वेव्स जो हैं आपकी they must be traveling in opposite direction. ठीक है, और फिर आपने ये चीजें बतानी असल में है इनके मार्क्स। ठीक है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा शिफ्टेड आ सकता है कि इसमें तो डिस्क्राइब दी कंडीशंस लिखा है, मे बी दे आस्क यू डिस्क्राइब दी फॉर्मेशन ऑफ टू स्टेशनरी वेव्स, तो ये मैंने आपको तकरीबन समझो आई हैव गिवन यू लाइक अ 3 मार्क आंसर। ठीक है, कि अगर वो पूछते हैं कि डिस्क्राइब दी फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव, या पूछते हैं डिस्क्राइब दी कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द टू वेव्स टू बी एबल टू फॉर्म अ स्टेशनरी वेव, उन दोनों में ये लेके आ जाओगे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, पूरी कहानी लिख के आओ, वैसे तो दो इन दोनों पॉइंट्स के मार्क्स हैं, लेकिन अगर वो भी आ गए तो ये भी लिख के आ जाओ दिस इज द कंप्लीट आंसर, मतलब इसमें सब कुछ कैप्चर हो गया फॉर द स्टेशन। ठीक है जी, अच्छा, करने के सवाल आप लोगों के ये हैं विच आर नॉट डिस्क्रिप्टिव। अ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रिंग हैज नोड्स एंड एंटी नोड्स, द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एडजेसेंट एंटी नोड इज 6 सेंटीमीटर, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय ए नोड। सो नोड से क्या मतलब था हमारा, व्हाट डिड वी मीन बाय अ नोड, इट वॉज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है जी, सो इट वॉज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट. वेरी गुड, सो यू कैन राइट मिनिमम डिस्प्लेसमेंट या जीरो डिस्प्लेसमेंट, बोथ आर एक्सेप्टेबल एंड करेक्ट. ठीक है जी, बहरहाल आपको मार्क स्कीम्स में अक्सर और बेशतर मिनिमम का लफ्ज मिलेगा, तो मिनिमम ही लिख के आओ, ज्यादा बेहतर वो है. अच्छा, और अब आ जाते हैं इस पे, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द टू वेव्स फॉर्मिंग द स्टेशनरी वेव. तो डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एडजेसेंट एंटी नोड, मतलब आपको ये बताया हुआ है कि आपकी स्टेशनरी वेव जो है वो यू थी, एक नोड के बीच में और एक उसके एडजेसेंट एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो 6 सेंटीमीटर का गैप आता है, उन्होंने ये बताया आपको. सो डू यू थिंक वी कैन वर्क आउट द वेवलेंथ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन? मैंने आपको नोड नोड के बीच में बताया, एंटी नोड के बीच में बताया, तो एक नोड एंटी नोड के बीच में क्या हो जाएगा? एक नोड एंटी नोड के बीच में, वेरी गुड आकिब भाई, अगर नोड नोड के बीच में हाफ लैम्डा है, तो नोड से अगर हाफ तक ही जा रहा हूं, मतलब एंटी नोड तक जा रहा हूं, तो नोड से एंटी नोड क्या हो जाएगा? एक ट्रांजिशन, यानी क्वार्टर लैम्डा. सो बेसिकली नोड टू एंटी नोड इज बेसिकली अ क्वार्टर लैम्डा. ठीक है जी, नोड टू नोड हाफ लैम्डा, एंटी नोड टू एंटी नोड हाफ लैम्डा, एंटी नोड टू ओनली नोड क्वार्टर लैम्डा, या नोड टू एंटी नोड क्वार्टर लैम्डा. मतलब इट्स लाइक इफ यू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू द नेक्स्ट एंटी नोड हाफ, एंटी नोड टू द नेक्स्ट एंटी नोड हाफ, लेकिन अगर उस एंटी नोड से पहले वाले नोड पे आ रहे हो तो वो क्वार्टर होगा ऑब्वियसली. सो नोड टू एंटी नोड आपको बताया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये जो है वो क्वार्टर लैम्डा के बराबर है. सो आकिब हैज गिवन अस द आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट योर लैम्डा विल बी 24 सेंटीमीटर. ठीक है जी, अच्छा 6.0 दिया हुआ था, हमने इसको जो है वो 2 सिग्निफिकेंट लिख के दे दिया है, 24 लिख के दे दिया. स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ टू एडजेसेंट एंटी नोड्स ऑफ द स्टेशनरी वेव. तो दो एडजेसेंट एंटी नोड्स, यानी ये वाला एंटी नोड और इसके एडजेसेंट ये वाला एंटी नोड, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा? 180 डिग्री. परफेक्ट.